नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15 ए अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम BSc फर्स्ट ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री की जो हमारी यूनिट चल रही थी उसको कंप्लीट करेंगे। उसके एक दो टॉपिक जो हमारे रह गए थे उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। हम कर रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक था वो था केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब है रासायनिक बल गतिकी। अब रासायनिक बल गतिकी क्या होती है, इसके अंदर किस किस चीज का अध्ययन किया जाता है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इसके ऊपर किस किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, उन सभी को केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स में हमने कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की विभिन्न प्रकार की कोटियों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, जिसमें से शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया और स्यूडो ऑर्डर छद्म कोटि अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया। अब इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करने के बाद हमने बात की कि इस अभिक्रिया की कोटि, जो कि एक प्रयोगात्मक प्रकार की टर्म होती है, प्रैक्टिकल प्रकार की टर्म होती है, उसको ज्ञात कैसे किया जाता है। इसको ज्ञात करने की कई विधियों के बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने बात की अभिक्रिया के वेग को ज्ञात करने की कई विधियों के बारे में। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हम बात कर रहे थे आरएनएस की समीकरण के बारे में। आरएनएस की समीकरण वास्तविकता में किसी अभिक्रिया पर टेम्परेचर के इफेक्ट को, ताप के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि किसी भी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से इस अभिक्रिया के वेग में 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है। आरएनएस समीकरण इसी को मैथमेटिकल तरीके से प्रदर्शित करने वाली एक समीकरण है, जो कि बोल्ट्जमान के जो नियम है उस पर आधारित है। और आरएनएस जो समीकरण है इसके कुछ हाइपोथेसिस, कुछ संकल्पनाएं, कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं जिनके बारे में हमने कल बात की थी। वहां पर हमने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात की थी कि किसी भी अभिकारक से उत्पाद का निर्माण क्यों होता है, सक्रिय ऊर्जा की अवधारणा क्या है, उसके आधार पर ऊष्माशोषी और ऊष्माशेपी अभिक्रियाओं को किस प्रकार से उनके ग्राफ बनाए जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। वहां पर हमने एक चीज के बारे में बात की थी कि संगत सिद्धांत, एक चीज होती है टक्कर, कोलिजन थ्योरी बोलते हैं उसको, कोलिजन थ्योरी या टक्कर सिद्धांत क्या होता है, उसके बारे में हमने बात की थी। टक्कर सिद्धांत का सामान्य अर्थ यह है कि संगठन, उसी के बारे में आज हम यहां पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि संगठन सिद्धांत या संगठवाद क्या होता है। संगठ या कोलिजन का सामान्य भाषा में अर्थ होता है टक्कर लगना। संगठ या कोलिजन का सामान्य भाषा में अर्थ होता है टक्कर लगना, अर्थात जब दो अभिकारक आपस में टकराते हैं, जब उनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है तो अभिकारक आपस में टकराते हैं, टकराकर वो उत्पाद के अंदर बदल जाते हैं। यही एक प्रकार से संगठ सिद्धांत है, लेकिन हम इसको यहां पर बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, अभिक्रियाओं के वेग क्रिया कारकों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, उन क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर करते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं। इसकी व्याख्या, अभिक्रिया के वेग की व्याख्या हम किसके आधार पर करते हैं, संगठवाद या टक्करों के सिद्धांत के आधार पर करते हैं। यह सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित है कि जब तक क्रिया कारकों के अणु उपयुक्त दिशा में ना टकराएंगे तब तक अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अभिकारकों के अणुओं को पार्श्वीय रूप से टकराना है, इस तरीके से टकराना है, मतलब यहां से ये अभिकारक अणु आए, यहां से ये अभिकारक अणु आए और इस तरीके से टकराते हैं, ठीक है।
तब तो अभिक्रिया उनमें संपन्न हो सकती है, लेकिन अगर वो इस तरीके से टकराते हैं तब उनमें अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। उसी का एग्जाम्पल यहां पर बताया गया है कि इनकी दिशा भी उपयुक्त होनी चाहिए। देखिए कैसे, ए ए और बी बी, ए ए प्रकार के एक अभिकारक है, मतलब एक अणु है अभिकारक का जिसमें दो परमाणु ए और ए है, और एक अणु है अभिकारक का जिसमें दो परमाणु बी और बी। अब अगर ये इस तरीके से टकराएंगे, मतलब इस ए के साथ ये बी टकराता है, तो आप ये यहां पर देख रहे हैं कि ये बी तो किसी के साथ टकरा ही नहीं रहा, ना ही ये ए किसी के साथ टकरा रहा, तो केवल इंट्रैक्शन किसके बीच में हो रही है, ए और बी के बीच में। तो इस जगह पर कोई क्रिया नहीं होती। नेक्स्ट देखो, इसमें जब ये ए और बी इस तरीके से टकराएंगे, मतलब पार्श्वीय रूप से टकराएंगे, तो ये ए एस बी के साथ टकराएगा, ये ए एस बी के साथ टकराएगा, और ये आपस में जुड़कर किसका निर्माण करेंगे, 2AB का निर्माण करेंगे, जो कि यहां पर क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक है, तो अणुओं की उपयुक्त दिशा में टक्कर होने पर दो चीजें यहां पर है। सबसे पहले किसी भी अभिक्रिया में संगत सिद्धांत जो है ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो है उनका विन्यास, जो टकराने वाले हैं, या दिशा, विन्यास या दिशा क्या होनी चाहिए, उपयुक्त प्रकार की होनी चाहिए। मतलब जो वास्तविकता में जिस दिशा में टकराकर वो आपस में बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करके उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं, वास्तविकता में वही उनका विन्यास और वही उनकी दिशा होनी चाहिए। और दूसरा ऊर्जा अवरोध, ऊर्जा अवरोध एक और चीज होती है इसमें, ऊर्जा अवरोध। ऊर्जा अवरोध का मतलब है अभिक्रिया तब तक संपन्न नहीं होती जब तक कि इतनी ऊर्जा इनके पास हो जिससे कि ये किसका निर्माण कर सके, ये कर सके सक्रियत संकुल का निर्माण कर सके, सक्रियत संकुल या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर सके। तो संघट सिद्धांत के अनुसार, संघट सिद्धांत में विभिन्न प्रकार के अभिकारकों को ठोस दृढ़ गोले माना गया। एग्जाम्पल के लिए बॉल अपने कह सकते हैं, बॉल एक प्रकार से ठोस होती है, गोला होती है, दृढ़ होती है, ठीक है, रिजिड होती है। तो उसी प्रकार से इनको माना गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत सीधा इसी बात को कहता है कि ये गोले आपस में टकराते हैं, मान लीजिए ए के दो गोले हैं, बी के दो गोले हैं, आपस में टकराएंगे, टकराकर किसका निर्माण कर देंगे, उत्पाद का। लेकिन ये टक्कर या उत्पाद का निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक ये उपयुक्त विन्यास या दिशा में ना टकराएं। अर्थात अगर इनको पार्श्वीय क्रम में जुड़ना है तो पार्श्वीय क्रम में जुड़े, और अगर इनको अक्षीय में जुड़ना है तो अक्षीय क्रम में जुड़े। जो इनको उपयुक्त विन्यास होगा उसी उपयुक्त विन्यास में इनको टकराना पड़ेगा। और दूसरी चीज, ऊर्जा अवरोध पार करके ये एक सक्रियत संकुल के लिए आवश्यक ऊर्जा को निर्माण कर सके या आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त कर सके, तब ये बदलते हैं उत्पाद में। जैसे पर्याप्त ऊर्जा वाले क्रियाकारी अणु ए है और ये है बी। अब ये आपस में जुड़े, आपस में जुड़कर इन्होंने क्या बनाया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसका निर्माण कर लेता है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स निर्माण कर लेता है उत्पाद का, जिसमें से बी यहां से बाहर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब यही कारण है कि तीन या इससे अधिक अभिकारकों वाली जो अभिक्रिया होती है वो अत्यंत कठिनाई से संपन्न होती है। अब जितने ज्यादा उसमें अभिकारक होंगे, मतलब तीन से ज्यादा अभिकारक है, मतलब जिसकी कोटि तीन से ज्यादा है, वो बहुत अधिक कठिनाई से संपन्न होगी। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जितने ज्यादा अभिकारक होंगे, अब ये इसके साथ तो इंट्रैक्शन कर सकता है लेकिन इसके साथ नहीं कर सकता, तो इस वजह से इन दोनों के साथ ही क्रिया करके और एक को तो बाहर निकाल के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। अभिक्रिया वेग के मात्रात्मक संबंध को ज्ञात करने के लिए कि अभिक्रिया वेग का सांद्रता पर या इसकी जो मात्रा है, मात्रात्मक संबंध क्या है, उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक समीकरण है, और वो समीकरण है I2 plus Br2। आयोडीन और ब्रोमीन आपस में रिएक्शन करके IBr का निर्माण कर लेंगे, और ये एक प्रकार का समांगी अभिक्रिया है। समांगी का मतलब है यहाँ पर आयोडीन भी गैस रूप में ले रखी है, ब्रोमीन भी गैस रूप में ले रखी है, और 2IBr जो मतलब IBr जो बनता है वो भी गैस रूप में। माना कि अभिक्रिया मिश्रण में चार अणु हैं। चार अणु कौन से हैं, I2 के दो अणु और दो अणु Br2 के, ठीक है। उनके परस्पर टक्करों की संभावना को हम देखते हैं किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। आगे उनके परस्पर टक्करों की जो संभावना होती है उसको देखिए कैसे प्रदर्शित किया गया है। ये इनकी परस्पर टक्करों की संभावना है, देखिए कैसे, इसको समझिए, इस डायग्राम को। जो I2 है ये वाला, एक I2 ये है, एक
दो तीन चार, हमने माना चार अंग यहां पर I2 के हैं और हमने यही माना कि चार अंग यहां पर किसके हैं, Br2 के हैं। अब यहां पर देखिए ये I2 जो है ये किसके साथ अभिक्रिया, किसके साथ टक्कर कर सकता है, Br2 के साथ। दूसरा ये किसके साथ कर सकता है, इस Br2 के साथ। तीसरा ये इस Br2 के साथ और चौथा ये इस Br2 के साथ। इसी प्रकार से एक I2 कितने टक्करें कर सकता है, चार, और एक Br भी कितने टक्करें कर सकता है, चार। ठीक है, तो चार 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 सारे के सारे कुल मिलाकर I2 कितने टक्करें कर सकता है, 16। और इसी प्रकार से ये भी कितने टक्करें कर सकते हैं, 16। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम से स्पष्ट है कि प्रत्येक Br2 अणु के लिए चार I2 अणुओं के साथ टक्कर होने की संभावना है। ये Br2 इन चारों में से किसी के साथ भी टक्कर कर सकता है और चारों के साथ भी टक्कर कर सकता है, जबकि प्रत्येक I2 अणु के लिए चार Br2 अणुओं के लिए संभावना है। तो इस प्रकार कुल संभावित टक्करों की संख्या क्या है, कुल संभावित टक्करों की संख्या चार इसके द्वारा और चार इसके द्वारा, टोटल 16 होगी। ठीक है, कुल संभावित टक्करों की संख्या क्या होगी, 16। और इसी प्रकार यदि अब तो ये चार चार अणु है लेकिन अगर हम आठ आठ अणु कर देते तो इनकी जो टक्करों की संख्या कितनी हो जाती, 64 हो जाती। अतः यह कहा जा सकता है कि सांद्रता बढ़ने से टक्करों की संख्या तो बढ़ेगी और टक्करों की संख्या बढ़ने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी वजह से जितनी ज्यादा सांद्रता होती है उतनी ज्यादा टक्करों की संभावना होती है और जितनी ज्यादा टक्करें लगती हैं उतनी ही टक्करों से कुछ उपयोगी प्रकार के पदार्थ के निर्माण की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से यहां पर तो केवल चार इसके थे और चार इसके थे तो आपस में 16-16 संभावनाएं हैं, लेकिन अगर आठ इसके हों और आठ इसके हों तो आठ I2 आठ Br2 के साथ टकराने की और आठ Br2 वापस आठ I2 के साथ टकराने की संभावना को रखते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 64। मान लीजिए एक हमारे पास सामान्य अभिक्रिया है जिसमें ए प्लस बी से किसका निर्माण हो रहा है, सी प्लस डी का निर्माण हो रहा है। ए प्लस बी यहां पर अभिकारक के रूप में काम कर रहे हैं और सी प्लस डी यहां पर प्रोडक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। वृद्धि होगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को यदि ए के एन ए मोल, अगर हम ये कहें कि हमारे पास ए के एन ए मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और बी के एन बी मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और वहां से हम इसको प्रारंभ करें तो टक्करों की कुल संभावनाएं किसके बराबर होंगी, वो होंगी एन ए इंटू एन बी के, मतलब क्योंकि जितने एन ए के मोल होंगे वो एन बी के साथ टक्कर करने की संभावना रखेंगे और जितने एन बी के मोल होंगे वो एन ए के साथ टक्कर करने की संभावना रखेंगे और होगी कितनी, प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगी, प्रति सेंटीमीटर क्यूब। माना अभिक्रिया पात्र का आयतन स्थिर है, अब जिस पात्र के अंदर हम उस अभिक्रिया को कर रहे हैं उसका जो आयतन है हमने स्थिर कर दिया, मान लीजिए हमने वो 15 लीटर का कोई पात्र ले लिया या हमने कोई 10 लीटर का पात्र ले लिया इस प्रकार से, तब अभिक्रिया मिश्रण में ए व बी की परस्पर प्रति सेकंड व प्रति सेंटीमीटर होने वाली टक्करों की संख्या को इस समीकरण से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये समीकरण देखिए क्या है, ये समीकरण है जेड ए बी, जेड ए बी बराबर एन ए बी बी सिग्मा स्क्वायर ए बी ब्रैकेट में ए पाई के टी वन अपॉन एम ए प्लस वन अपॉन एम बी की हाफ, स्क्वायर होता है इसको हाफ के अंदर लिखा है। तो यहां पर ये समीकरण है, यहां पर सिग्मा ए बी क्या है, सिग्मा ए बी औसत व्यास है जो आणविक व्यास के बराबर होता है, मतलब हमारे पास मान लीजिए ये है एक ये और एक ये, इसकी जो परिधि इसकी जो होगी त्रिज्या इसको हम सिग्मा कहते हैं, इसकी त्रिज्या को भी सिग्मा कहते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो होगा ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, औसत प्रकार का व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं और ये किसके बराबर होगा, औसत व्यास आणविक व्यास के एन सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद टक्कर अब ए और बी के, अब एम ए और एम बी क्या है, एम ए और एम बी है अणु ए और बी के आणविक द्रव्यमान। टक्कर सिद्धांत के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग बराबर प्रति सेकंड प्रति सेंटीमीटर क्यूब टकराने वाले अणुओं की संख्या, मतलब एक सेकंड में एक सेंटीमीटर क्यूब में, अर्थात एक सेंटीमीटर लंबे एक सेंटीमीटर चौड़े और एक सेंटीमीटर मोटाई वाले किसी बॉक्स में उनके एक सेकंड में टकराने वाले अणुओं की संख्या कितनी होगी, इंटू प्रभावी टक्करों का अंश। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है,
कि केवल उन्हीं टक्करों से उत्पाद का निर्माण हो सकता है जो प्रभावी प्रकार की टक्करें होती हैं। टकराएं चाहे 100 में से अगर 20 टक्करें ही प्रभावी हैं तो उत्पाद का निर्माण उन्हीं 20 के आधार पर ही होगा। तो इसको हम किसी अभिक्रिया के वेग को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? प्रति सेकंड प्रति सेंटीमीटर क्यूब में टकराने वाले अणुओं की संख्या बट इनटू प्रभावी टक्करों का अंश। और प्रभावी टक्करों के अंश के बारे में हम कल बात कर चुके हैं, वो होता है एक्सपोनेंशियल माइनस ईए अपॉन आरटी, एक्सपोनेंशियल माइनस ईए अपॉन आरटी। तो किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक के संदर्भ में माइनस डीएन अपॉन डीटी इज इक्वल टू जेड ए बी इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन आरटी। समीकरण 62 से जेड ए बी का मान समीकरण 63 में रखने पर, यहां पर जो जेड ए बी का मान है ये बड़ा, इसको हमने यहां पर रख दिया तो ये समीकरण क्या बन जाएगी? माइनस डीएन अपॉन डीटी इज इक्वल टू एन ए एन बी सिग्मा स्क्वायर ए बी 8 पाई के टी 1 अपॉन एम ए प्लस 1 अपॉन एम बी की हाफ एंड एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन आर टी। मतलब ये समीकरण तो वैसे की वैसी आ गई, अब इसके साथ में हमने इस समीकरण को और गुणा कर दिया। उपयुक्त सामान्य समीकरण के लिए अभिक्रिया का वेग जो होता है, मतलब ये जो समीकरण हमारे पास ये वाली थी, ये वाली समीकरण हमारे पास थी ए प्लस बी से किसका निर्माण हुआ था सी प्लस डी, तो इसके लिए जो अभिक्रिया का वेग है हम उसको किससे दे सकते हैं? हम उसको दे सकते हैं अभिक्रिया का वेग इक्वल टू के ए और बी। अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होगा? माइनस डी एन अपॉन डी टी बराबर होगा के ए और बी के। ठीक है, उपयुक्त सामान्य अभिक्रिया के लिए वेग का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है, माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की सांद्रता और बी की सांद्रता। यहां के बराबर विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, चूंकि ए और बी की सांद्रताएं क्रमशः एन ए और एन बी है, तो यहां पर ए की सांद्रता क्या है एन ए और बी की सांद्रता क्या है एन बी। तो अब यहां पर ए की जगह पर हम क्या रख सकते हैं एन ए और बी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं एन बी। तो माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू के एन ए एन बी। तो अब समीकरण ये वाली जो हमारे पास है, ये वाली समीकरण, इस समीकरण को और हम 62 नंबर जो समीकरण है अर्थात ये वाली जो समीकरण है, इस समीकरण को जब हम रखेंगे तो उससे ये समीकरण आएगी। तो वो समीकरण क्या आएगी? यहां से हम के का मान निकाल सकते हैं, के इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ए बी 8 पाई के टी एम ए प्लस एम बी अपॉन एम ए एम बी हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन आर टी। तो यहां से हम के की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम ये जानते हैं के बोल्ट्जमान का नियतांक होता है, या हमने पहले भी इसका मान ज्ञात किया आरएनएस समीकरण में। तो आरएनएस समीकरण जो है वहां से इसका मान क्या आया था? के बराबर ए टी हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस ए अपॉन आर टी, और a बराबर क्या है सिग्मा स्क्वायर ए बी 8 पाई के एम ए प्लस एम बी एम ए इंटू एम बी हाफ। अब a की वैल्यू ये है, तो समीकरण 66 का, मतलब इस समीकरण का जो हम लॉग लेंगे, अब a की हमने क्या किया यहां पर इसको चेंज करके a डैश कर दिया, जो पीछे वाले समीकरण के अंदर जो यहां पर a डैश की जगह पर लिखा हुआ था उसको हमने यहां पर लिख दिया और आगे हमने पूरी समीकरण को लिख दी। अब इस समीकरण को हम लॉग ले लेंगे तो समीकरण क्या आ जाएगी? एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए डैश प्लस 1 बाय 2 एल एन टी माइनस ई अपॉन आर टी। अब टी के सापेक्ष पूरी समीकरण को अवकलित कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी? डी एल एन अपॉन डी टी, इसको आर टी स्क्वायर, आर तो है ही ऑलरेडी, तो आर टी स्क्वायर आ जाएगा बराबर ये डी एल एन के अपॉन डी टी, ये इसके बराबर आ गया, यहां पर आर टी के सापेक्ष इसको अवकलित कर दिया तो बराबर क्या आ जाएगी? टी के सापेक्ष अवकलित करने से बराबर आएगा ई अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर टी। अधिकांशतः 1 अपॉन 2 टी का मान ई अपॉन आर टी स्क्वायर की तुलना में बहुत कम होता है, जिसे उपेक्षित किया जा सकता है। तो समीकरण 68 को हम निम्न प्रकार से रख सकते हैं, तो यहां पर जो 1 अपॉन 2 टी है उसका मान इससे बहुत कम होगा, तो हम यहां पर क्या करेंगे उसको तो यहां से हटा देंगे, ये 1 अपॉन 2 टी है आर टी भी 1 अपॉन 2 टी। ठीक है, यहां पर डी एल एन के अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई प्लस 1 बाय 2 आर टी, आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू ई अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 टी है। तो यहां पर इसको हम क्या करेंगे उपेक्षित कर देंगे, तो बच क्या गया? डी एल एन के अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई अपॉन आर टी स्क्वायर। अब यही समीकरण है जो आरएनएस द्वारा सुझाई गई थी, मूल रूप से आरएनएस की समीकरण यही होती है।
यदि क्रियाकारक पदार्थों में से एक ही प्रकार के अणु हो, अब एक ही प्रकार के अणु हो तो यहां पर एक स्केयर हो जाएगी और यह समीकरण क्या बन जाएगी, के एन ए की स्केयर प्रति सेकंड प्रति सेंटीमीटर क्यूब टक्करों की संख्या क्या होगी, जेड ए ए बराबर 4n स्क्वायर ए सिग्मा स्क्वायर पाई आर टी अपॉन एम ए। तो के इजकल टू 4 सिग्मा स्क्वायर पाई आर टी एम ए हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन आर टी। तो ये के है, इसको हम जेड के रूप में रख देंगे सारे को, तो बाकी बचेगा यहां पर क्या, के इजकल टू जेड डॉट एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन आर टी। तो यहां पर जेड ए के बराबर जेड वापस रख के और इसका मान ज्ञात किया गया है। यह समीकरण आरएनएस की समीकरण के जैसी है, वहां पर ए था और यहां पर क्या है, ये आरएनएस ने भी यही समीकरण दी थी। इसी प्रकार टक्करों के सिद्धांत से आरएनएस सिद्धांत और अभिक्रिया वेग, अब हमने ये समीकरण कहां से प्राप्त की है, ये समीकरण हमने प्राप्त की है संघट सिद्धांत से, संघट सिद्धांत से यह समीकरण प्राप्त हुई और जो आरएनएस का सिद्धांत है उससे प्राप्त हुई थी एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। तो यह समीकरण हमें वहां से प्राप्त हुई थी, ये लगभग दोनों एक जैसी समीकरण है, केवल यहां पर जेड की जगह पर यह है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम टक्कर सिद्धांत के द्वारा हम इस समीकरण को तो व्युत्पन्न कर ही सकते हैं, इसके अलावा आरएनएस की समीकरण को भी समझा सकते हैं। एक बार आप इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट अगला टॉपिक है संघटवाद की सीमाएं और उसके बाद में दिया गया मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। कई अभिक्रियाओं में यह पाया गया है कि संघटवाद के आधार पर गणना द्वारा ज्ञात किया गया के का मान प्रायोगिक मानों से बहुत अधिक भिन्न प्राप्त होता है, ठीक है। इसका कारण यह है कि संघटवाद में हम यह मानते हैं कि अभिक्रिया की संपूर्ण ऊर्जा अभिकारकों की स्थानांतरीय ऊर्जा है, लेकिन यह तभी संभव है यदि अणुओं का व्यवहार दृढ़ गुणों के जैसा हो। मतलब हम कई बार जो के का मान यहाँ पर संघटवाद के आधार पर जो के का मान ज्ञात किया गया है प्रैक्टिकल रूप से कई बार सही नहीं आ पाता। उसका रीजन यह है कि संघटवाद में सभी प्रकार के अभिकारकों को ठोस दृढ़ गोले माना गया और यही कहा गया कि वो स्थितिज ऊर्जा का लेन देन नहीं करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, वो ऊर्जा को स्थानांतरित कर देते हैं। हाइड्रोजन आयोडीन जैसे सरल अणु इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, लेकिन जो बड़े अणु होते हैं उनमें केवल स्थानांतरण वाली मतलब स्थितिज ऊर्जा के अलावा उनमें कंपन और घूर्णन ऊर्जा भी होती है, अतः उसका सही परिणाम प्राप्त करने के लिए हमको उसको भी ध्यान में रखना होगा। तो संघटवाद की जो समीकरण है वो ये बन जाएगी के इजकल टू पी, पी यहां पर प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, जेड डॉट ई माइनस ई अपॉन आर टी। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर का हम यहां पर गुणा कर देंगे, यहां पर पी क्या है, पी यहां पर प्रायिकता गुणांक या प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, या इसको स्टीरिक फैक्टर भी बोलते हैं, त्रिविम गुणांक भी बोलते हैं, जो अणु की त्रिविमीय ज्यामिति या उसकी सकरण एंट्रोपी से संबंधित होता है। इस समीकरण के आधार पर अब ये जो समीकरण है ये क्या है, संशोधित समीकरण है। और ये समीकरण क्या है, ये समीकरण संघटवाद की मूल समीकरण है, संघटवाद की मूल समीकरण और ये संशोधित समीकरण। इन दोनों समीकरणों में केवल अंतर पी का है, तो पी जेड ई एक्सपोनेंशियल माइनस ई आर टी, इसको संशोधित संघटवाद कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला एक सिद्धांत, संक्रमण अवस्था या परम वेग का सिद्धांत, जिसको हम हाइपोथेसिस इक्विलिब्रियम की हाइपोथेसिस या साम्य जो हाइपोथेसिस है, साइमन परिकल्पना जो है उसको वो कहते हैं। अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने में यह सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह क्रियाविधि ज्ञात करने का काम करता है। यह आधुनिक सिद्धांत 1950 में मर्सलिन द्वारा दिया गया और 1935 में आयरिंग ने और पॉलिनी ने इसको थोड़ा सा विकसित किया, जिसके जो पोस्टुलेट्स हैं वो ये हैं। देखिए, क्रियाकारी अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित सबसे वही उसी प्रकार के लगभग जो हमने आरएनएस के अंदर देखे थे उसके उसी प्रकार के हैं, बस थोड़ा बहुत इनमें अंतर है। क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने से पहले एक सक्रियत संकुल बनाना आवश्यक है। जैसे ए से हमको किसका निर्माण करना है, बी का, बी प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, पहले एक इसके अंदर बदलेगा, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर बदलेगा और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आगे किसके अंदर बदल जाएगा, पी के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर बदल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रियाकारी और संकुल के मध्य एक साम्य स्थापित रहता है। इन्होंने ये बताया कि ए अगर प्रोडक्ट के अंदर बदलता है तो ए पहले किसके अंदर बदलेगा, एक सक्रिय संकुल के, और इसके मध्य क्या होगा, एक साम्य अवस्था आएगी।
मतलब ये सकृत संकुल जो होता है, ये सकृत संकुल दो प्रकार से काम करता है, ये इसका हिस्से भी बन सकता है, ये भी हो सकता है, और आगे पी का निर्माण उसके बाद में करेगा। ठीक है, जब क्रियाकारी अणु परस्पर उपयुक्त दिशा में टकराते हैं तब ही सकृत संकुल के निर्माण की संभावना बनती है। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो संकटवाद सिद्धांत है वो यही बताता है कि तब तक कोई आपस में जुड़कर उत्पाद का निर्माण नहीं कर सकते जब तक कि उनका विन्यास और उनकी ऊर्जा के अवरोध को पार ना कर दे। सकृत संकुल में परमाणुओं के मध्य की दूरी अधिक होती है जिनमें दुर्बल बंध होते हैं। वस्तुतः जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर होता क्या है, कम से कम एक तो बंध टूटता है, एक कम से कम नया बंध बनता है। सक्रिय संकुल अथवा संकरण अवस्था में टूटने वाला बंध, अब सक्रिय संकुल जो होता है उसको हम ये कह देते हैं कि उसमें दोनों चीजें, अगर आप संकरण अवस्था या सक्रिय संकुल के बारे में बात करें तो उसका एक सिंपल सा है, उसमें बंद टूट रहा होता है और बंद बन रहा होता है, दोनों प्रोसेस इकट्ठे चलते हैं। मतलब बंद का टूटना और बंद का बनना दोनों प्रोसेस वहां पर इकट्ठे ही चलते हैं। बंद टूटा हुआ नहीं होता, वरन टूटने की प्रक्रिया में होता है, जबकि नया बनने वाला बंद जो होता है वो पूर्णतः बना हुआ नहीं होता जबकि बनने की प्रक्रिया में होता है। तो इसका मतलब वहां पर दोनों के प्रकार के जो बंद होते हैं वो बन रहे होते हैं, दुर्बल प्रकार के बंद होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, सकृत संकुल की ऊर्जा उच्चतम होती है, इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, जैसे यहां पर इन्होंने बताया है, एक एग्जांपल देके इसको अभी समझेंगे अपने। अर्थात यही वह ऊर्जा अवरोध है जिसको पार करके वो किसका निर्माण कर लेता है, एक सकृत संकुल का एक जो उत्पाद है उसका निर्माण कर लेता है। अब देखिए हाइड्रोजन का एग्जांपल यहां पर लिया है, हाइड्रोजन का एक अणु है और क्लोरीन का एक परमाणु है, इन दोनों ने सबसे पहले इतना अवरोध था, ऊर्जा अवरोध, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको पार करके एक संकुल का निर्माण किया है। ठीक है, अब देखिए ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड तो यहां पर क्या कर रहा है, टूट रहा है, और ये वाला बॉन्ड यहां पर क्या हो रहा है, बन रहा है। मतलब इस बॉन्ड का निर्माण हो रहा है और ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या सक्रिय प्रकार का संकुल। ठीक है, जिसमें एक बॉन्ड बन रहा है और दूसरा बॉन्ड टूट रहा है, और आगे ये अपनी जो ऊर्जा है उसको बाहर निकाल के किसका निर्माण कर देगा, उत्पाद का निर्माण कर देगा। तो यहां पर इस पूरी की पूरी अभिक्रिया को समझाया गया है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर HCl प्लस H बाहर निकालते हैं। इसमें सबसे पहले होता क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु उपयुक्त दिशा में एक दूसरे के निकट आते हैं। दूसरा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बंध दुर्बल होने लगता है और हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, यहां पर किया हुआ है। तीसरा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की दूरी कम होने लगती है और उनके बीच में एक दुर्बल प्रकार का बंध बनने लगता है। चौथा, इस प्रकार उच्चतम ऊर्जा वाला एक सक्रिय संकुल बनता है, जो हमने यहां पर बनाया है, एक सक्रिय संकुल का निर्माण हो जाता है जिसकी ऊर्जा उच्चतम होती है। पांचवा, सक्रिय संकुल की ऊर्जा उच्चतम होने के कारण इसकी जो आयु होती है वो बहुत कम होती है और शीघ्रता से टूटकर किसका निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है। अब उसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड तो टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, बन जाएगा और HCl का निर्माण हो जाएगा। जैसे यहां पर इन्होंने दे रखा है, ये क्रियाकारक है जिसमें ये वाले बॉन्ड टूट रहे हैं, ये वाले बन गए। अब ये वाला बॉन्ड तो टूट रहा है और ये वाला बॉन्ड बन रहा है, मैं इसको दोनों अलग अलग चीजों से दर्शा देता हूं। मतलब जो हमने ग्रीन से दर्शाया है ये वाला बॉन्ड बन रहा है, और जो हमने रेड से दर्शाया है ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बन जाएगा, दोनों में H प्लस X जुड़ के, और क्या हो जाएगा, HCl का फॉर्मेशन होना चाहिए यहां से बाहर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक सक्रिय संकुल को संकरण अवस्था द्वारा इसको प्रदर्शित करने का तरीका होता है। सक्रिय संकुल को हम इस तरीके से या तो स्टार द्वारा प्रदर्शित करते हैं या हैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सामान्यतः इसको स्टार द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। एक सक्रिय संकुल या संकरण अवस्था को सामान्यतः स्टार या हैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक सामान्य अभिक्रिया में इस प्रकार से, जैसे ए प्लस बी दो अभिकारक थे, इन्होंने मिलकर ए बी स्टार प्रकार के सक्रिय संकुल का निर्माण किया, जो कि सी प्लस डी उत्पाद के अंदर बदल गए। अभिक्रिया का वेग सक्रिय संकुल की सांद्रता और उसके उत्पाद में विघटन की आवृत्ति पर निर्भर करता है कि ये कितना बना है, और ये टूटकर कितना उत्पाद देगा उस पर ही अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा। तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या है, सक्रिय संकुल की सांद्रता इंटू सक्रिय संकुल के विघटन की आवृत्ति। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए बी स्टार, मतलब सक्रिय संकुल की सांद्रता इनटू सक्रिय संकुल के विघटन की आवृत्ति। यहां पर आप माइनस डी ए पॉन डी टी की जगह पर माइनस डी बी ए पॉन डी टी भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू भी इतनी ही आएगी। नेक्स्ट देखिए, अब सक्रिय संकुल की जो सांद्रता है उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए हमारे पास में ये था ए प्लस बी से क्या बना, सबसे पहले ए बी स्टार बना, और ए बी स्टार इसके अंदर भी रख सकते हो आप इस स्टार को,
तो देखिए a प्लस बी से सबसे पहले क्या बनता है, ए बी स्टार बनता है, ए बी स्टार बन गया। अब के स्टार मतलब सक्रिय संकुल की सांद्रता का जो व्यंजक है के स्टार इज इक्वल टू ए बी स्टार अपॉन ए इंटू बी, तो ए बी स्टार बराबर किसके हो जाएगा, के स्टार ए इंटू बी के। यहां के स्टार क्या है, सक्रिय संकुल बनने का समय अवस्था स्थिरांक है। सक्रिय संकुल के विघटन की आवृत्ति को निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है, म्यू इज इक्वल टू के टी अपॉन एच। यहाँ के क्या है, बोल्ट्जमान का स्थिरांक, टी यहां पर परम ताप है और एच यहां पर प्लैंक नियतांक है, सभी के सभी नियतांक होते हैं। समीकरण 72, 73 और 74 से मतलब इन सभी समीकरणों को जो उससे पहले हमने समीकरण देखे उन सभी को जोड़ कर ये समीकरण बनती है, ठीक है। यहां पर k की वैल्यू आ गई माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के स्टार ए इन टू बी द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड द कंसंट्रेशन टू बी ऑफ बी के टी अपॉन एच। अभिक्रिया के लिए प्रायोगिक वेग का जो वेग नियम होता है वो इस प्रकार से होता है, तो यहां पर k क्या है, वेग स्थिरांक है। अब हम इस समीकरण को जोड़ेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, समीकरण 75 और 76 से अब देखो डी ए अपॉन डी टी है, डी ए अपॉन डी टी है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो इसका मतलब के ए बी इज इक्वल टू के स्टार ए बी के टी अपॉन एच। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब कौन कौन सी चीजें किससे कैंसिल हो सकती है, ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। बाकी बचेगा हमारे पास क्या, हमारे पास बचेगा यहां पर देखो बचेगा के, यहां पर के बच गया एक, तो ये इससे कैंसिल होगी, ठीक है, के यहां पर बच गया, उसके अलावा यहां पर के स्टार बच गया और क्या बच गया, आर टी अपॉन एन एच बच गया, ठीक है, या के टी अपॉन एन एच बच गया। तो ये बस इतने से इसके अंदर जो है ये तो अलग प्रकार के समीकरण है, ये के टी अपॉन एन एच जो है अलग प्रकार के समीकरण है, ये दोनों आपस में कट गए और के बराबर किसके आ जाएगा, के स्टार के टी अपॉन एच के। समीकरण 77 परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत का, इसको बोलते हैं परम अभिक्रिया एब्सोल्यूट रिएक्शन, परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत, एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी, इसका ये सामान्य प्रकार का व्यंजक होता है, जिसको आप एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब हम करेंगे संगतवाद और परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत की तुलना, दोनों में करते हैं। परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत और संगतवाद की अगर हम तुलना करें तो परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत संगतवाद और टक्कर के सिद्धांत की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, मतलब ये वाला जो अभी हमने किया है वो बहुत अच्छा है। टक्करों का सिद्धांत बड़े और जटिल, अब टक्करों के सिद्धांत में हमने अभी पढ़ा था कि जो संगतवाद सिद्धांत है वो हाइड्रोजन और छोटे अणु हैं उनके तो व्याख्या कर सकता है लेकिन बड़े अणुओं की गतिकी की व्याख्या नहीं कर सकता। उसके अलावा टक्करों का सिद्धांत गैसीय अभिक्रियाओं में सही प्रमाण देता है, परिणाम देता है, लेकिन द्रव और विलयन अभिक्रियाओं में इसका सही तरीके से परिणाम प्राप्त नहीं होता। तो इसी तरीके इसीलिए हम ये कहते हैं कि यहां पर परम अभिक्रिया वेग का जो सिद्धांत होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक कर रहे हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साम्यावस्था स्थिरांक एवं इसके ऊष्मागतिकीय पहलू, मतलब हम थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट के आधार पर जो साम्यावस्था स्थिरांक का उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं। समीकरण 77 जो हमने वहां पर लास्ट में की है वो एक महत्वपूर्ण समीकरण है, उसका डायरेक्ट प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि के स्टार को प्रायोगिक विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका रीजन ये है कि के स्टार किसके लिए आता है, के स्टार एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए आता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को आप प्राप्त नहीं कर सकते, वो एक मध्यवर्ती अवस्था है और वो टूटकर किसका निर्माण करेगी, वो टूटकर उत्पाद का निर्माण करेगी ही करेगी, जब तक आप उसको प्राप्त करोगे तब तक वो उत्पाद में बदल जाएगी। इस साम्यावस्था स्थिरांक के स्टार को ऊष्मागतिकीय पदों के रूप में अवश्य ज्ञात किया जा सकता है, एग्जाम्पल के लिए ऊष्मागतिकी में मुक्त ऊर्जा और साम्यावस्था स्थिरांक में निम्न संबंध होता है। ऊष्मागतिकी के सामान्य समीकरण है डेल्टा जी इक्वल टू आर टी एल एन के, तो डेल्टा जी स्टार इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के स्टार, और मुक्त ऊर्जा एंथैल्पी तथा एंट्रोपी में निम्न संबंध होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी बराबर होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच यहां पर क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन, और टी डेल्टा टी यहां पर परम ताप होता है, और डेल्टा एस यहां पर क्या होता है, एंट्रोपी में परिवर्तन होता है। तो देखिए एल एन के स्टार बराबर होगा डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी, ठीक है, तो यहां से हम एल एन के स्टार को इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, और के स्टार किसके बराबर होता है, के स्टार हम ये जानते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी के बराबर होता है, वहां पर हमने ई लिखा था यहां पर हमने जी लिख दिया, ठीक है, तो के स्टार की वैल्यू भी हमें यहां से प्राप्त होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब देखो नेक्स्ट
पीछे जो समीकरण है उन समीकरणों से ज्ञात होता है कि के स्टार बराबर किसके है, डेल्टा जी, और उसके बराबर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा जी किसके बराबर है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। तो डेल्टा जी की जगह पर हमने मान किसका रख दिया, डेल्टा एच स्टार माइनस टी डेल्टा एस स्टार अपॉन आर टी। तो के स्टार बराबर किसके हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल यहां से इसके नीचे डेल्टा एच अपॉन माइनस डेल्टा एच स्टार अपॉन आर टी डॉट, एक्सपोनेंशियल है, इसको एक्सपोनेंशियल को आप हटा भी सकते हो, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एस स्टार आर। इसी प्रकार मोलर एंथैल्पी डेल्टा एच स्टार और मोलर एंट्रोपी डेल्टा एस स्टार की सहायता से के स्टार के मान का परिकलन किया जा सकता है। तो यहां से हम के स्टार के मान को ज्ञात कर सकते हैं, के स्टार का मान को हम समीकरण के अंदर रखेंगे और समीकरण के अंदर रखने से हम इस मान को ज्ञात कर लेंगे, जिसमें हमने यहां पर के स्टार आर टी एन एच कहा था, उसकी जगह पर हम ये मान रख देंगे एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी डॉट डेल्टा एस अपॉन आर। अब इससे हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 82 ये जो समीकरण है संक्रमण अवस्था सिद्धांत के मूल रूप को प्रदर्शित करती है। तो ये कौन सा है, संक्रमण अवस्था सिद्धांत का थर्मोडायनेमिक रूप है, संक्रमण अवस्था सिद्धांत का थर्मोडायनेमिक रूप होता है। इसका आपने लॉग ले लेंगे, इस तरफ भी लॉग ले लिया, इस तरफ भी लॉग ले लिया, लॉग लेने के बाद में ये डेल्टा एस अपॉन आर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। समीकरण 83 वेग स्थिरांक का व्यंजक है, जो समय स्थिरांक और ऊष्मा गतिकीय पहलू पर है, ये वेग स्थिरांक का व्यंजक है के का। यदि समीकरण 82 में यदि संक्रमण एंथैल्पी डेल्टा एच का मान ईए के बराबर हो, हम ये मान लेते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है, तो उसकी जगह पर एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण को हम 71 के समीकरण जो पी थी प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट वाले जो समीकरण थी उसके साथ जब हम तुलना करते हैं तो हमारे पास समीकरण प्राप्त होती है PZ इक्वल टू RT NH डॉट डेल्टा S स्टार अपॉन एक्सपोनेंशियल R। ठीक है, तो समीकरण 85 ये वाले जो समीकरण है इसमें क्या है, Z भी है, R भी है, N भी है और H भी है। Z यहां पर स्थिरांक होता है, R यहां पर स्थिरांक होता है, N यहां पर स्थिरांक होता है और H यहां पर स्थिरांक होता है। प्रायिकता कारक P अभिक्रिया की संक्रमण ऊर्जा से संबंधित होता है, मतलब ये किससे संबंधित है, इससे डायरेक्ट संबंधित है। अब इससे ये स्पष्ट होता है कि अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि ये सारा का सारा कुछ जब हमने क्या कर दिया, स्थिरांक कर दिया, तो P किसके समानुपाती हो जाएगा, डेल्टा S स्टार के समानुपाती या डेल्टा S के समानुपाती हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि प्रायिकता कारक या प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो होता है वो संक्रमण ऊर्जा या संक्रमण एंट्रोपी से सीधा संबंधित होता है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं पूरे कंप्लीट जो हमारा प्रोसेस है उसको। तो इस तरीके से ये जो कंप्लीट आपका यूनिट था, ये यूनिट सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। हम फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट केमिकल काइनेटिक्स को कर चुके हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो भी आपकी टर्न आएगी फ्राइडे सैटरडे को, एक बार हम फिजिकल केमिस्ट्री ही स्टार्ट करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री की ही अगली यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे। आज हमने यहाँ पर संकटवाद, संशोधित संकटवाद, संक्रमण अवस्था सिद्धांत और इन सभी सिद्धांतों के बारे में बात की है। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें नेक्स्ट वीडियो के आने तक, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखें, समझें, कोई प्रॉब्लम आए इसके नोट्स बनाएं, तो उसके अलावा कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।